नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूं दीपावली की पूजा कैसे की जाती है। मित्रों, दीपावली की पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान है। कहा गया है कि ब्रह्म पुराण के अनुसार बताया गया है कि इस दिन आधी रात के समय लक्ष्मी जी सभी अच्छे गृहस्थियों के यहाँ पर विचरण करती हैं और जिस जगह को वे बहुत साफ़ सुथरा देखती हैं, बहुत अच्छा सजाया संवारा देखती हैं, वहाँ पर स्थायी रूप से प्रसन्न होकर निवास करती हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक रावण का संहार करके अयोध्या में आए थे। अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था, इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में दीपावली प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राजतिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है, अतः यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। और आज के दिन वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं तथा अपने वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाशदीप जलाने की प्रथा के पीछे भी ये कारण है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है और कहीं पितर इधर उधर ना हो जाएं, इसलिए प्रकाश करके उनको रास्ता दिखाया जाता है। घर की सफाई करके लीप पोत कर लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी के चित्र बनाए जाते हैं। कई जगह लक्ष्मी जी के फोटो भी लगाए जाते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि खुद महिलाएं अपने हाथों से दीपावली माता बनाती हैं। और संध्या के समय पकने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों में दाल चावल हलवा पूड़ी और ये सब बनाए जाते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ नमकीन ये सब बनाई जाती हैं और इनका भोग लगाया जाता है। पूजा का तरीका यह है कि लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इसे मौली बांधो, इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो, उन्हें रोली लगाओ, 6 चौमुखे दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ, फिर जल मौली चावल फल गुड़ अबीर गुलाल धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा घर के पुरुष पहले करें, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखो। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपये दो। और लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा रखें, साथ ही थोड़े पैसे रखें, चावल रखें, गुड़, 4 केले, मूली, हरी ग्वारफली, 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो ये मैंने जो आपको उल्लेख किया है ये पुस्तक के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं दिवाली की पूजा करते समय, और ग्रंथों में जो वर्णन है वही मैंने उल्लेख किया है आपके सामने। और कथा इस प्रकार है दीपावली की, वो वैसे मैं अभी एक और नई वीडियो बना रही हूँ तो आप वो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।